वार्ड नंबर 12 की उम्मीदवार रीटा शर्मा के लिए जननायक जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अंजू राय ने लोगों से वोट की अपील की। नगर परिषद कालका के चुनाव 19 जून को हैं और वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत रीटा शर्मा उम्मीदवार के पद पर चुनाव मैदान में खड़ी हैं। इसी संबंध में वार्ड नंबर 12 में स्थित सीताराम मंदिर में महिलाओं ने मिलकर भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर यहाँ जननायक जनता पार्टी महिला जिलाध्यक्ष अंजू राय यहाँ विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। महिला जिलाध्यक्ष अंजू राय ने मंदिर के प्रांगण में मौजूद महिलाओं को रीटा शर्मा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान यहां दर्जनों महिलाओं को अंजू राय ने जजपा पार्टी में जोड़ा और सभी महिलाओं ने जजपा पार्टी को समर्थन देते हुए रीटा शर्मा उम्मीदवार को जिताने का वायदा किया। यहाँ पर जजपा पार्टी से सोनिया भी मौजूद रही। इसके अलावा यहाँ पर सीतो देवी, दुर्गा, चेतना, ज्योति, सोनिया सहित अन्य महिलाएँ उपस्थित रहीं। इधर वार्ड नंबर 12 की उम्मीदवार रीटा शर्मा ने महिलाओं से कहा कि उनको वार्ड में जिताने के बाद वार्ड में सारी समस्याओं का हल प्राथमिकता के हिसाब से करवाया जाएगा, कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सीट पे हमें बिठा के उन्होंने हमें जो मान सम्मान दिया है, तो हम भी उस मान सम्मान को हम भी कायम रखेंगे। इस यहाँ पर जन सेवा का कार्य करके पूरे पंचकूला जिले में मुझसे जो भी सेवा दी जाएगी मैं अपनी सेवा देती रहूंगी। मैं आज यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हमारी ये रीटा शर्मा जी यहाँ से आपके वार्ड नंबर 12 से ये यहाँ पर पहुँच के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पर उनको उनके लिए वोट की अपील करने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास पहुँची हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इनको अपने वार्ड से वोट दे के और इनको जितवाए, ताकि आपके जो भी यहाँ के कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं, ताकि वो मैडम करवा सके। यहाँ पर और भी मेरी बहनें हैं जो भी यहाँ पे कार्य रहता है, आप उनसे भी कह सकते हैं रीटा मैडम जी को अगर जीत जाती हैं तो वो तो आपकी सेवा में हमेशा रहेंगी। कोई भी आपका कार्य ऐसा नहीं है, और जहाँ तक हो सकेगा मैं भी आप सब लोगों का साथ दूंगी। जो काम यहाँ से नहीं हो आप रीटा मैम से कहिए और मैं उनके साथ हमेशा साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूंगी, ताकि मैं जो कार्य है वो पूरे करवा सकूं। जो भी आपके एरिया में कुछ भी सड़कें टूटी हुई हैं, लाइटें नहीं हैं, और भी बहनों बेटियों के लिए, पहले बहनों के लिए जो गरीब लोग हैं, पहले हम अगर मैं जीत जाती हूँ तो पहले सबसे पहले गरीबी राशन कार्ड और आयुष्मान योजना के कार्ड जिसको गरीबों की जरूरत है पहले वो बनाएंगे। हम सड़कें बाद में, लाइटें बाद में, पहले राशन कार्ड बनाएंगे।